दो को संस्कार, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं। दो ही संस्कार तो होगा, स्पर्म की क्वालिटी वीक होगा तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। ओवुलेशन टाइमिंग जो है यही प्रेगनेंसी कंसीव करने का सही समय है। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं बताने वाला आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में कि कब एक्टिविटीज करने के बाद में आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं और कब नहीं। खास करके युवा वर्गों में इसके बारे में जानने का बहुत अधिक लालसा होता है, इच्छा होता है कि हम जाने कि आखिरकार में कब एक्टिविटीज करने के बाद में प्रेगनेंसी होगा, कब नहीं होगा। तो युवा वर्ग को कहीं ना कहीं कोई सीख को साथ में संबंध रहता है, चाहे उसका जीएफ हो चाहे वो कोई और हो। शादी के बाद भी लोग को जाने की इच्छा होता है। बहुत लोग क्या है कि शादी कर लिया, एक दो साल तक बच्चे नहीं हुए, तो वो भी इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि भाई कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है, किस टाइम में एक्टिविटीज परफॉर्म करें जिससे कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। तो आज मैं इसी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। प्रेगनेंसी का जो कंसीव करने का टाइमिंग होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही होता है, लेकिन इसमें अलग अलग फेज होता है। पहला फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें ब्लीडिंग निकलता है। तो ब्लीडिंग जो होता है वो 1 से 5 दिन, किसी में 6 दिन तक रिलीज होता है। इस टाइम में एक्टिविटी करने से कोई फायदे नहीं है और महिला को पेन भी होगा और इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है उस पुरुष के लिए। दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज, इसमें ओवम का छोटा रूप बन के तैयार होता है जो आगे चल करके ओवम बनता है, जो लगभग 12 से 16 दिन के बीच में निकलता है ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में। इसी समय ऐसा होता है जब कोई प्रेगनेंट, जब कोई लेडी इस इच्छा से एक्टिविटी करे कि हमें बच्चा चाहिए, तो वो इस समय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ओवुलेशन टाइमिंग जो है यही प्रेगनेंसी कंसीव करने का सही समय है। अगर स्पर्म की क्वालिटी वीक होगा तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ओवुलेशन टाइमिंग क्या कब से कब होता है, 12 से 16 दिन के बीच में, किसी किसी महिलाओं में लेट, किसी में पहले। तो मिला जुला के देखा जाए तो 10 से 18 दिन के बीच का टाइमिंग जो है वो रेड जोन है। यानी कि इस जोन में अगर आप प्रवेश कर गए, महिला के साथ में संबंध बनाए, इंटरकोर्स कर लिया, तो आपको क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है। तो ध्यान रखना है इस बात को, इस टाइम में एकदम परहेजी रखना है। तो परहेजी क्या करेंगे, तो यूज कंडोम, कंडोम का यूज कर सकते हैं, वेजिनल डायफ्राम का यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज कर सकते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद में होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एक्टिविटीज हुआ उसके बाद भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। तो बचाव करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अगर एक्टिविटीज हुआ तो लास्ट टाइम जब इजैकुलेशन के चरम सीमा पर पहुंचता है युवा लोग, लड़का लोग, तो उसको उस समय चाहिए कि वो इजैकुलेट कर दे आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर इजैकुलेट कर दे, वो इजैकुलेट इनसाइड में ना करे, महिला के बॉडी में इजैकुलेट वो ना करे, इससे कि वो बचाव हो जाएगी उसकी। और भी है, जैसे कि मान लिया कि इजैकुलेट अगर हो गया तो उस महिला को या लड़की को क्या चाहिए कि वो अपना एक सिटिंग पोजिशन में बैठा रहे। सिटिंग पोजिशन में बैठने से क्या होगा, जो भी अंदर की तरफ जा रहा होगा वो बाहर तरफ निकल जाएगा। तो ये बचाव करने का है। और मान लिया किसी को गर्भ धारण करने की इच्छा है तो वो एक्टिविटी होने के बाद में कुछ समय तक एक ही पोजिशन में लेटा रहे, इससे क्या होगा कि उसका जो स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगे वो आराम से अंदर तरफ चला जाएगा और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाएगा। ये भी कुछ तरीके हैं गर्भ धारण करने के और नहीं गर्भ धारण करने के। तो इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं उस समय। और उसके बाद का जो फेज चौथा फेज है वो ल्यूटियल फेज है। इसमें क्या होता है कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वही ओवम जो होता है आगे चलकर डिसअपीयर होता है ओवरी के अंदर में। वो जो पर्पस ल्यूटियम जो होता है ओवम का बाहरी लेयर होता है जो उस ओवरी में ही घूमते घूमते फाइनली 28 दिन में वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर ब्लीडिंग टाइम स्टार्ट होता है। तो ओवुलेशन टाइमिंग जो है यही टाइमिंग है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। इस टाइम में लोगों को वर्जन करना चाहिए, यानी कि आपस में मिलने से बचना चाहिए, किनको, जो प्रेगनेंसी होना नहीं चाहते हैं, नहीं कंसीव करना चाहते हैं। अब जो कंसीव होना चाहते हैं उसको इसी टाइम में एक्टिविटीज करना चाहिए। और शास्त्र भी कहता है कि अगर आप मेंस्ट्रुएशन शुरुआत होने के 13वां दिन एक्टिविटीज करते हैं तो आपका बच्चा जो होगा लड़का होगा और सुंदर होगा, काफी बलवान बुद्धि वाला होगा। 14वां दिन जो होगा पैदा होगा वो काफी साहसी पैदा होगा, वीर पुरुष होगा, सुंदरबान होगा, धैर्यशील होगा। और 15वां दिन अगर एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें सुंदर कन्या की जन्म होगी जो जाकर के बहुत बड़ी आपकी कुल की नाम ऊंचा स्थान पर पहुंचा सकते हैं, और वो सुंदर भी रहेगी और लक्ष्मी लेकर के आएगी, बलवान भी रहेगी वो लड़की। तो कन्या का पैदा होना 15वां दिन में होता है, ये शास्त्र के अनुसार में ये भी लिखा गया है। तो हर एक चीज का सही समय होता है, सही समय का प्रयोग करके आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। बहुत लोग इसको शास्त्रार्थ के अनुसार भी योग करते हैं, उस योग से क्या होता है बहुत बलवान पुत्र पैदा होते हैं, पुत्री पैदा होते हैं।
तो अगर आप भी ऐसा करते हैं कोई शास्त्रार्थ से मिल करके, जो शास्त्र जानकारी इनके पास ना हो, तो वो आपको खूब बढ़िया से इसके बारे में राय देंगे और आप आपस में मिल करके सुंदर और खूब सुशील बलवान और ताकतवर बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ये शादी के बाद में नियम बात को आप समझ सकते हैं कि जो आजकल का जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, ये हमारे शास्त्र के अनुसार में और भारतीय सभ्यता के अनुसार में नहीं है, ये कुछ अलग तरीके से चल रहा है। तो अगर देखिए, शास्त्र में हर चीज का नियम है, बच्चे पैदे करने का नियम है, खाने ओढ़ने पढ़ने पढ़ने सोने उठने बैठने विद्यारंभ करना विवाह करना सब चीज का नियम है, इसको हम संस्कार कहते हैं। लेकिन आदमी क्या होता है, दो वो संस्कार, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, दो ही संस्कार तो होता है। लेकिन जो आदमी पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी है, तो जानकारी है जिनके पास में, वो 16 संस्कार को अपना करते हैं और उनका बच्चा जो होता है कभी बदलने वाला नहीं होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बच्चा वैसा मिले, तो आप भी शास्त्रार्थ के अनुसार में आप किसी अच्छे विद्वान के पास जाकर के आप गर्भधारण करने का सही समय जान सकते हैं। तो मैंने ये एक्स्ट्रा बता दिया है, हालांकि ये मेडिकल साइंस की बात नहीं है, थोड़ा अलग साइंस की बात है। तो आपको आज बताया हूं मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में, किस तरह से आप कंसीव कर सकते हैं, क्या टाइमिंग सेफ है। और भी कुछ जानना आपको हो तो आप कमेंट करके बताइए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।